So next we will discuss the geometric isomerism. Now in geometric isomerism, it is that type of stereo isomerism which arises due to the restricted rotation of the groups around the double bond. It arises due to the restricted rotation of groups, similar or different, whatever, around double bond. अगर double bond के दोनों side पे आपके पास restricted rotation हो रहा है, मसलन ये alkene है, ठीक है, इसमें double bond मौजूद है, right? So इसमें अगर मैं ये green वाला जो atom है, अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ तो ला सकता हूँ? क्यों? दरमियान में double bond है. तो डबल बॉन्ड इसका नीचे की तरफ आना क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा, सही है? तो अगर इसमें आप रोटेशन लाना चाहते हैं, अगर सिंपल आपके पास सिंगल बॉन्ड यहां पे होता तो सिंगल बॉन्ड में ये रिस्ट्रिक्शन ना होता, उसमें सिंपल आप इसको रोटेट कर सकते थे, ठीक है. मसलन ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये यहां पे इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, रोटेट हो रहा है, इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही है. तो अगर ये इजीली रोटेट हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है. अगर ये यहां पे है तो ये इसका आइसोमर है, यहां पे इसका दूसरा है, यहां पे इसका तीसरा है, ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास अब यहां पे आप देखें तो यहां पे अब डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है. तो सिमिलरली इस अल्कीन में अगर हम रोटेशन करना चाहते हैं तो रोटेशन नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? इसमें रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रेक द बॉन्ड. जब बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले आप देखें ना, एक ग्रीन ऊपर है, ठीक है, और यहां पे एक ग्रीन दूसरे साइड पे फिर नीचे है, ठीक है. अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इसको ऊपर लेके आ जाऊं और दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा, तो अब रोटेशन हो गया. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में अगर आप रोटेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ब्रेक द बॉन्ड. जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, सिंगल बॉन्ड के ऊपर क्या होगा? रोटेशन होगा, रोटेशन हो जाएगा, वापस बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. मसलन अगर आप देखें, मैं इस तरह, ये सिंगल बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल, और ये ग्रुप्स हैं, तो मैं इसको इस तरह रोटेट कर सकता हूँ, ये वाला नीचे आ गया. लेकिन अगर डबल बॉन्ड है और ये दोनों ग्रुप से, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं, तो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है. मैं सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करूंगा, रोटेशन करूंगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा, ये सर नीचे आएगा, राइट. तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड होगा, ठीक है. सो इसकी बुनियाद पर हमारे पास दो किस्म के आइसोमर्स बन जाते हैं, इसको हम सिस आइसोमर कहते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांस. अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री है, ये क्या है? ये टू ब्यूटीन है, ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड जो है सेकंड नंबर कार्बन पे है, दिस इज टू ब्यूटीन, और मैं इसको यू भी लिख सकता हूं. अब आप इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच ऑन द सेम साइड, यहां पे ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन्स ऑन अपोजिट साइड. तो अगर सिमिलर ग्रुप्स आपके पास ऑन द सेम साइड मौजूद है, इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे. तो ये जो टू ब्यूटीन है, ये सिस टू ब्यूटीन होगा, सिस मीन ऑन द सेम साइड. और अगर अपोजिट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ये अपोजिट साइड पे, ठीक है. ये आप देखें, ये वाला मॉलिक्यूल ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है, क्योंकि ये जो सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, ये किस साइड पे है? सेम साइड पे, ठीक है. और ये सेम साइड पे आ गए, ये सेम साइड पे आ गए, लेकिन हमने ये बल्कि ग्रुप्स को देखना है. ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नहीं कंसिडर करना, जो बल्कि ग्रुप होगा, राइट. तो ये सिस है, और अगर ये जिसका पहला वाला जो कंडीशन था वो क्या था? ट्रांस, वो ट्रांस था, ये अब ट्रांस हो गया,
ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके साथ अगर दो ग्रुप सेम आ जाते हैं, मसलन आपके पास ये है, अब ये सिस हो गया, ट्रांस होगा, देयर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन है इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, या तो ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मसलन यहां पे मैं अगर इसको निकाल के हाइड्रोजन को लगा लेता हूं इस तरह, तो नाउ इसमें कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके साथ दोनों सिमिलर ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो, मतलब ये CH3 है और ये भी CH3 है, तो दोनों एटम सेम आ गए आपके पास, दोनों ग्रुप सेम आ गए आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, राइट। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 H और H, अब ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, व्हाई, जो आपके पास बल्की ग्रुप्स हैं वो ऑन द सेम साइड, ये सिस आइसोमर होगा, 1 2 3 4 5, तो ये 2-pentene है, 2-pentene है ये, राइट right? सो ये सिस फॉर्म होगा, अगर मैं इसको नीचे कर दूं या इस वाले को नीचे कर दूं फिर वो ट्रांस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो बल्की ग्रुप्स हैं वो ऑन द सेम साइड, और ज्योमेट्रिक आइसोमर इसलिए है क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों ग्रुप्स इसके साथ डिफरेंट है, यहां भी इसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, अगर दोनों सेम अगर आ जाते हैं फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम हैं तो सिस ट्रांस होगा, सेम नहीं है तो सिस ट्रांस नहीं होगा, इस तरह ये CH3 तो ये भी CH3, ये CH5 तो ये भी CH5, नहीं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, अगर ऑन द सेम साइड है तो फिर सिस होगा, अगर ऑन द डिफरेंट साइड है तो फिर वो ट्रांस होगा, असल प्यारे मसलन आपके पास इस तरह का कोई केस आ जाता है, इधर CL इधर CL, सिस होगा ट्रांस होगा, और अगर मैं इसको यू कर दूं फिर सिस होगा ट्रांस होगा, अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन आ गए हैं, तो सेम ग्रुप जब आ जाते हैं फिर सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, आर यू कैन ऑल्सो कॉल देम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्लियर है, याद होगा।